हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स स्वागत है आपका फार्मा जॉब अपडेट्स में और आज हम जिस जॉब की बात करने वाले हैं ये निकली है फार्मासिस्ट की रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च सेंटर में रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च सेंटर का जो हेड क्वार्टर है जिसे हम सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं आयुर्वेदा वो है लखनऊ में ये जो पोस्ट है फार्मासिस्ट की है आयुर्वेदा के अंदर और यहाँ पर जो प्रोसेस है मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस जो होगा वो वहाँ पर आपका एक पर्सनली इंटरव्यू होगा जो कि ऑनलाइन मोड पर होगा मतलब मतलब आप यहाँ पर घर पे बैठे आपको इंटरव्यू आप दे सकते हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ठीक है मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो पोस्ट निकली है एक पोस्ट जो है ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है एक साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और सोलह हजार रुपये हर महीने की तनख्वाह होगी मतलब एक महीने की तनख्वाह होगी सोलह हजार रुपये जो यहाँ पर एज लिमिट दी गई है वो है सत्ताईस साल मतलब सत्ताईस साल से ज़्यादा के लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो भी एज रिलेक्सेशन होता है वो यहाँ पर मान्य है मतलब एस वालों को जो पाँच साल का एज रिलेक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर दिया जाएगा और मांगी गई है, तो जो है वो लोग फार्मेसी, फार्मेसी भी, लो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दो साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है साथ ही साथ यहाँ पर आपको एमएस ऑफिस एमएस वर्ड पावर पॉइंट और एम एस एक्सल का भी एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए क्लियर है ठीक है अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं तो यहां पर आपको जो एप्लीकेशन सबमिट करनी है वो गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करनी है आखिरी तारीख जो है एप्लीकेशन सबमिट की वो है छब्बीस जनवरी शाम की छह बजे तक आपको गूगल फॉर्म को फिलअप करके एप्लीकेशन सबमिट करनी है ठीक है इंटरव्यू जो होगा, मैं, जो है है biri, जो होगा मैं आपको बता दू कि इंटरव्यू की डेट जो है वो है अट्ठाईस जनवरी ठीक है अट्ठाईस जनवरी को इंटरव्यू की डेट है जो कि ऑनलाइन मोड पर होगा ठीक है अब यहां पर दो तीन चीजें मैं आपको बता दू कि मैंने आपको बता दिया है कि वाया कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपको लिंक सेंड किया जाएगा आपको लिंक को क्लिक करना है और ऑनलाइन मोड पर आपको इंटरव्यू होगा जैसे जूम कॉल होता है या गूगल गूगल क्लास में जो ऑनलाइन होता है वो टाइप का ऑनलाइन इंटरव्यू होगा ठीक है वो आप अपने मोबाइल पर भी दे सकते हैं वाया लैपटॉप भी आप ये इंटरव्यू दे सकते हैं ठीक है उसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं कि एस का जो भी रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं एस टी का उनको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना पड़ेगा ठीक है उसके अलावा एक साल का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है एक साल तक के लिए रखा जा रहा है परमानेंट नहीं है उसके अलावा यहाँ पर जो दो तीन चीज़ें की गई है ये यह यही है बात के यहाँ जो पोस्ट है बेसिकली ये जो निकली है वो निकली है आर आर एड सी दीमापुर नागालैंड के लिए ठीक है तो ये बेसिकली जो है दीमापुर नागालैंड में आपकी पोस्टिंग होगी क्लियर है आप कई लोग ये समझ रहे होंगे कि ये लखनऊ के लिए तो नहीं ये दीमापुर नागा नागालैंड के लिए पोस्टिंग होने वाली है ठीक है उसके अलावा एक चीज़ इन्होंने मेंशन करी है कि जो लोग गूगल फॉर्म के थ्रू इसकी एप्लीकेशन फिलअप नहीं कर पा रहे हैं वो इन्होंने एक पर्टिकुलर मेल आईडी दिया है वहाँ पर ये मेल कर सकते हैं तो मेल आईडी मैं आपको बता देता हूँ आर ए आर सी डॉट दीमापुर एट द रेट जी मेल डॉट कॉम यहाँ पर आप वाया मेल के थ्रू भी अपनी एप्लीकेशन पहुँचा सकते हैं अगर आपको गूगल फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपका सबमिशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप पहुँचा सकते हैं तो ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा गूगल फॉर्म की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म खुल जाएगा और आप उस फॉर्म को फिलअप करके इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन्होंने एक चीज़ मैंशन करी है कि जब आप ये अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद जो भी आप डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करेंगे तो उसको पहले वो क्रॉस चेक करेंगे उसके बाद वो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके फिर आपको बताएंगे कि आप इंटरव्यू में बैठने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है ठीक है तो सबसे पहले तो वो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे वाया डॉक्यूमेंटेशन चेकिंग क्लियर है तो आपको सभी डॉक्यूमेंटेशन की स्कैन कॉपी जो है वो अपलोड कर दी है क्लियर हो गया है तो मैंने आपको बता दिया है आखिरी तारीख अप्लाई करने की है छब्बीस जनवरी और इंटरव्यू की डेट है अट्ठाइस जनवरी ठीक है तो और मैंने आपको मेल आईडी भी बता दिया है और ये नीचे में जो ये लिंक है ये नीचे सेंड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ तो वहाँ पर आप लिंक को क्लिक करके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और अगर आपको फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है या फॉर्म खुल नहीं रहा है तो आप इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो पहुँचा सकते हैं ठीक है तो वाया एप्लीकेशन आप जो नॉर्मल हम एप्लीकेशन लिखते हैं वो एक एप्लीकेशन फिलअप कर देना आप चाहे तो आप टाइप कर लें या लिख लें और उसका स्कैन करके फिर आप इधर मेल कर दें विध डॉक्यूमेंट ठीक है तो जो जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं क्वालिफिकेशन के अंदर अंदर्गत ये सब आपको लगाने हैं ओके यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर दो साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है एक्सपीरियंस इन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ठीक है बी फार्मा इन आयुर्वेदा मतलब जो एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है वो आयुर्वेदा हॉस्पिटल में काम करने का एज अ फार्मासिस्ट ठीक है वो दो साल का ठीक है तो वो जो एप्लीकेशन जब आप सेंड करेंगे तो आपको आपका जो एक्सपीरियंस का जो लेटर है उसकी भी स्कैन कॉपी जो है वो आपको यहाँ पर भेजनी पड़ेगी ठीक है बाकी अगर आपको और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो को यहाँ पर पुश करके ये सब पढ़ सकते हैं ठीक है थीके? तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यू ही बने रहिए मेरे साथ